हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि जब आप आईआईएम से पास आउट होते हो, जब आप किसी टॉप बी स्कूल से पास आउट होते हो, तो लाइफ कैसी होती है। फ्रेंड्स, आई पास आउट फ्रॉम एन आईआईएम माईसेल्फ, आई एम विशाखापट्टनम, एंड दैट्स व्हाई दिस वीडियो आई एम टेकिंग एन अपॉर्चुनिटी टू टेल यू अबाउट हाउ लाइफ इज आफ्टर यू पास आउट फ्रॉम अ प्रीमियर बी स्कूल और फ्रॉम एन आईआईएम। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइफ इज नॉट एज रोजी। जो लोग कहते हैं कि टेंथ के बाद आप अच्छा नंबर ले आओ तो लाइफ सेट है, ट्वेल्थ में आप अच्छा नंबर ले आओ तो लाइफ सेट है, कॉलेज में आप अच्छे नंबर ले आओ तो लाइफ सेट है, ये सेम अप्लाई करता है इनिशियल ईयर्स के आईआईएम के पास आउट करने के बाद भी। अगर आपका मैकिन्जी में भी प्लेसमेंट हो गया, आप आईआईएम अहमदाबाद भी चले गए हो, तो भी लाइफ सेट है ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप तो अभी ही जॉब में जाओगे तो आपको काम सीखना पड़ेगा। आपका अहमदाबाद में एडमिशन हो भी गया है आईआईएम अहमदाबाद में, और आपको मैकिन्जी मान लीजिए प्लेसमेंट दे देती है, प्लेसमेंट आपको मैकिन्जी पीपीओ दे देती है, तो पहले साल ही दे देगा, तो आपको पता थोड़ी है कि आपको करना क्या है। अब मैं मैकिन्जी का चेंज कर दूंगा, पूरा काम करने का तरीका, प्रॉफिट्स, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ साल तो आपको काम सीखना पड़ेगा। तो लाइफ इज़ नॉट वेरी रोजी इवन आफ्टर यू पास आउट फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद। नाउ हाउ विल लाइफ बी, ये मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, सैलरी, आफ्टर यू पास आउट फ्रॉम एन आईआईएम, योर सैलरी रेंजेस फ्रॉम 70,000 पर मंथ टू 1.25 लाख पर मंथ। अगर आप किसी न्यू आईआईएम से हो तो आपका 70,000 सैलरी भी पर मंथ आ सकता है, बहुत लोगों का आता है। और अगर आप अहमदाबाद बैंगलोर से हो तो 1,25,000, कभी कभी 1,30,000, यही रेंज है ओल्ड आईआईएम से। इसी रेंज में 95% ऑफ सैलरीज विल फॉल फ्रॉम एनी आईआईएम पर मंथ। दूसरा, आपके रोल्स कैसे होंगे। जब आप एमबीए करते हो, जब आप समर इंटर्नशिप करते हो, तो आपको एक जनरली एक प्रोजेक्ट मिलता है, उस प्रोजेक्ट का एक एंड गोल होता है। लेकिन जब आप एमबीए के बाद प्लेसमेंट मिलेगा, तब आपको एक पर्टिकुलर रोल नहीं मिलेगा। जब जरूरी नहीं है कि आपका एंड टू एंड प्रोजेक्ट होगा और आपको दो महीने बाद कुछ डिलीवर करना पड़े, ऐसा ज़रूरी नहीं। अगर आपको सेल्स रोल मिलता है तो आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो इसलिए रोल्स भी जो मिलते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। अगर आप मार्केटिंग में हो तो आपको छोटे छोटे गांव में ट्रैवल करना होगा, ट्रेन से ट्रैवल करना होगा, बाइक से ट्रैवल करना पड़ सकता है, हाँ आपको टीम मिलेगी। अगर आपको एक एनालिस्ट रिसर्च का जॉब मिल गया तो आपको नॉर्मल डेस्क में बैठ के गूगल सर्च करना पड़ सकता है। तो ऐसे बहुत तरह के रोल्स होते हैं, जो ज़रूरी नहीं है कि एकदम आप सूट पहन के कंपनी बदल दो, वो शुरू के 3-4 साल तो नहीं होगा। अगर आप मैगजीन में प्लेस हो जाओ तो भी 3-4 साल तो नहीं होगा। तीसरा, द थर्ड थिंग इज ईएमआई। आफ्टर मोस्ट बी स्कूल्स, मोस्ट आईआईएम्स, 20 लाख, 15 लाख से लेके 25 लाख का फीस है। तो अगर आप इतना फीस ले रहे हो और पापा से आप पैसे नहीं ले रहे, तो 20 लाख का लोन में ईएमआई कम से कम 30,000 रुपये 7 साल के लिए होता है। तो आपके इस 70,000, 1,25,000 से आप 30,000 ईएमआई भी माइनस करोगे। तो ये हुई थर्ड रियलिटी। चौथा, मोस्ट रिसर्च कहता है कि मोस्ट बी स्कूल स्टूडेंट्स लीव देयर जॉब्स इन द फर्स्ट ईयर। तो जो आपको पहला जॉब कैंपस से मिलेगा, 50-60% लोग उसको छोड़ देंगे एक साल होने से पहले ही। इसका मतलब कि वो जॉब में खुश नहीं होंगे। तो ये हुई फोर्थ रियलिटी। एंड फिफ्थ रियलिटी, ऑन अ फन नोट, मैरिज। द एवरेज एज ऑफ आईआईएम्स, जब लोग पास आउट होते हैं तो 25-26 साल का एवरेज एज होता है। तो तब ऐसा टाइम होता है कि आपके पेरेंट्स आपके पीछे पड़ेंगे इंडिया में कि आपकी शादी करा दी जाए। तो ये फिफ्थ रियलिटी है कि अगर आपको 1 लाख का इनकम मिलता है, आप 30,000 का लोन दे रहे हो, 70,000 आपके पास है और आपको शादी भी करनी है। तो लाइफ इज़ नॉट एज रोजी दोस्तों, दिस इज़ लाइफ आफ्टर आईआईएम। स्टे सेफ, टेक केयर।